नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर। आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आप सब लोगों के सामने आपकी जिंदगी की सफलता के लिए एक बहुत ही प्यारा फार्मूला लेकर हाजिर हुआ हूं, जो मेरे और जो सफलतम व्यक्ति हुए हैं उनकी सफलता का एक निचोड़ है कि उन्होंने सफलता किस तरह से पाई। इन सबकी सफलता के निचोड़ से ये फार्मूला तैयार किया गया है। अगर इसको आप अपने जीवन में उतार लोगे तो जीवन में कभी भी सफलता से दूर नहीं रहोगे, हमेशा सफलता प्राप्त करते ही रहोगे, क्योंकि जो निचोड़ आप अपने अंदर लाओगे पूरी सफलता की कहानी का, वो आपके हमेशा साथ रहेगा, तो आप कभी जिंदगी में मार नहीं खाओगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि ये फार्मूला है क्या। इसकी शॉर्ट फॉर्म है I+P=L। I+P=L। आई मीन्स इंटरेस्ट प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू लव। सबसे पहले आपको जिस चीज में आपको कोई भी रुचि नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है आपका उसमें, तो उसमें आपको इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। जैसे ही आपका इंटरेस्ट या आपकी रुचि उस चीज में हो गई तो उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। यानी कि आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले लीजिए, अगर आपके उसमें रुचि नहीं है, मैथमेटिक्स ले लीजिए, तो उसमें रुचि पैदा करना कैसे है वो प्रैक्टिस से आएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी रुचि बढ़ती जाएगी, आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप, आपका इंटरेस्ट ग्रो होता जाएगा। और एक दिन वह आपके डे टू डे लाइफ में आ जाएगा और आपको उससे इतना प्यार हो जाएगा कि आप बिलीव नहीं कर सकते। और जैसे ही आप उससे मोहब्बत करने लगोगे तो आप उसको कभी छोड़ नहीं सकते जिंदगी में। जिस चीज़ से आप मोहब्बत करते हो, जिससे प्यार करते हो, उस चीज़ को आप कभी छोड़ नहीं सकते। तो आपका इंटरेस्ट पैदा हुआ, आपकी प्रैक्टिस पैदा हुई और आपको उससे लव हो गया, यानी कि वो आपका अपना हो गया। तो अगर आप किसी भी उद्देश्य के लिए इस फार्मूले को अपनाओगे तो जीवन में हमेशा सफल होगा। कोई भी कार्य अगर आप लेते हैं उसमें पहले इंटरेस्ट पैदा करो। इंटरेस्ट पैदा कैसा होगा? प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस करोगे तो आप एक दिन वेल टू डू हो जाओगे कि वो आपके फिंगर टिप्स में होगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा उसे करते हुए और आप उससे बे इंतहा मोहब्बत करने लगोगे। और जिस चीज़ से हम प्यार करते हैं उस चीज़ को हम कभी छोड़ते नहीं हैं, वो अपनी हो जाती है। चलिए इस कड़ी में, क्योंकि मैं अब वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा, तो मैं चाहता हूं कि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप फिर प्रैक्टिस करें उस वीडियो को देखने की और फिर आपको लव हो जाए मेरी वीडियो से। चलिए अगली कड़ी में इसका दूसरा भाग लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।